हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। इट्स मी सुमित सिंह एंड होप यू आर डूइंग एब्सोल्यूटली वेल। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना शेयर हाउ यू कैन मेक स्टडी व्लॉग्स लाइक इट इज़ अपडेटेड वर्जन 2023, बिकॉज इन प्रीवियस सिमिलर काइंड ऑफ वीडियो आई हैव शेयर्ड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सम ऑफ द क्वेरीज हैव बीन आस्क्ड इन द कॉमेंट सेक्शन। सो आई हैव टू जस्ट सॉल्व दैट क्वेरीज इज वेल। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोना give you some more information that how you can make study vlogs as well. So without any further delay, let's get started. So my first point is long videos. मेरे को जितने भी comments आए हैं उसमें से बहुत maximum question ऐसे रहे हैं कि आप long videos कैसे shoot करते हो। actually में जो लॉन्ग वीडियोस होती है या आप उसको दो तरीके से शूट कर सकते हो, अगर आपको स्टोरेज प्रॉब्लम है तो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि जो स्टडीज़ होती हैं हम उन्हें 60 मिनट्स या फिर 1.5 आवर के लिए शूट करते हैं, तो हमारा फ़ोन एक तो हीट अप हो जाता है या फिर स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती है। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट दो तरीके हैं मेरे ख्याल से। तो पहला तो आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होगा टाइम लैप्स का, आप उसको यूज़ कर सकते हो। टाइम लैप्स का यूज़ करने से क्या होता है ना, आप वीडियो तो शूट करोगे लेकिन वो साथ के साथ आपका वीडियो की स्पीड बढ़ाते जाएगा, जिसके वजह से आप एक तो जो आपकी वीडियो की लेंथ है वो छोटी हो जाएगी और आपके फ़ोन का स्टोरेज कम यूज़ होगा। एंड सेकेंडली आप एक ऐसा कर सकते हो कि अपने फ़ोन में अननेसेसरी चीज़ों को डिलीट कर सकते हो या फिर उन्हें गूगल फ़ोटोज़ में अपलोड कर दो और अननेसेसरी जो आप में स्टोरेज पहले से भरा हुआ है फ़ोन में उन्हें हटाकर, और इतना स्पेस तो कर दो कि आप कम से कम 1 घंटे की वीडियो बना लो बिना आपके फ़ोन को डिस्टर्ब करे हुए। एंड उस वीडियो को जैसे आपने फिल्म कर लिया, शूट कर लिया, उसके बाद आप उन्हें इनशॉट ऐप में एडिट कर लो टाइम लैप्स के ज़रिए। लाइक आप जो 60 मिनट्स की वीडियो है आप उसको 50x 40x इतनी स्पीड पर एक बार में उसको एडिट कर लोगे ना, सो आपको स्टोरेज की दिक्कत कम होगी। क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि 60 मिनट्स की वीडियो बहुत देर तक रखना अपने फ़ोन में और उसके बाद फिर और वीडियोज़ बनाना बहुत इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। हर एंड्रॉयड फ़ोन की दिक्कत है। सो आप उसको उधर एडिट कर लोगे ना तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, और वो जो आपने पहले 60 मिनट्स का बनाया था एडिटिंग के बाद जब आपकी गैलरी में वीडियो सेव हो चुकी है तो वो 60 मिनट का आप जो पुराना वाला है उसे डिलीट कर दो और आपके सब स्टोरेज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है एडिटिंग का। एडिटिंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे वीडियो रिक्वेस्ट आई हैं कि आप प्लीज़ एडिटिंग के लिए एक वीडियो बना दो कि आप एडिटिंग कैसे करते हो। मैंने एडिटिंग खुद से सीखी है, खुद से मैंने ऐप पे जाके मैंने एक, मेरे को बहुत टाइम लगा एडिटिंग सीखने में, बट बात मेरे को पहले ऐप का नहीं पता था कि ऐप कौन से यूज़ करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनशॉट ऐप, बिकॉज इनशॉट ऐप बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारे बेसिक फीचर्स हैं तो आप आराम से उसमें एडिटिंग सीख जाओगे। एंड अगर अब भी आपको एडिटिंग सीखनी है और उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो उसके लिए बना दूंगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टडी स्पेस। एंड बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो स्टडी व्लॉग्स बनाना चाहते हैं बहुत दिल से, लेकिन तब भी उनके पास स्टडी स्पेस नहीं है। बहुत सारे ये सोचते हैं कि हमारे पास टेबल नहीं है, हमारे पास बहुत सारे फैंसी चीज़ें नहीं हैं, हम स्टडी व्लॉग्स कैसे बनाएं, हमारे पास अच्छा सा सेटअप नहीं है। सो इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ टेबल टू फिल्म अ वीडियो। आप जहाँ पर पढ़ते हो कहीं ना कहीं पढ़ते होगे, बेड पर पढ़ते होगे, ज़मीन पर पढ़ते होगे, कहीं पे भी तो पढ़ते होगे, तो आप वहाँ पे बना लो। और मैंने हाउ आई शूट माई स्टडी व्लॉग्स की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उसे जाके देख लो, आपको बहुत एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि आपको वीडियो कैसे शूट करनी चाहिए। एंड यू आर डन, बिकॉज वो वीडियो में बिल्कुल भी मैंने ऐसा नहीं किया कि आपको ट्राईपॉड चाहिए, ऐसा चाहिए। आप नॉर्मली आप अपने घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे आप स्टडी व्लॉग्स बना सकते हो। सो ये एक स्टडी स्पेस का क्लियर किया मैंने।
एंड नेक्स्ट मैंने फेस कैम। हाँ, बहुत सारे स्टडी व्लॉगर्स से समझते हैं कि यूट्यूब पे आने के लिए, स्टडी व्लॉग्स बनाने के लिए हमें फेस दिखाना पड़ेगा, हमें बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं, स्टडी व्लॉगर्स का मेन मोटिव ये होता है कि वो जो दूसरे लोग हैं उन्हें मोटिवेशन दें। सो ज़रूरी नहीं है आप फेस दिखाओ, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू। ये सारा डिपेंड करता है, अगर आप फेस दिखाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखाना चाहते तब भी बहुत सारे स्टडी ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो बिना फेस दिखाए भी बहुत सक्सेसफुल हैं। सो आप बिना फेस दिखाए भी यू नो वीडियो बना सकते हो। एंड अगेन मैं कहूँगा, वीडियो शूट करने का मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि मैं अपने स्टडी ब्लॉग्स कैसे शूट करता हूँ, तो आप उन्हें देख सकते हो जाके। नेक्स्ट आता है, तो इट इज़ द सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ इन्वेस्टमेंट। ऑफकोर्स मैं पिछले वाली वीडियो में मैंने कहा था और इस वाले भी मैं कहूँगा, इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बिकॉज शुरुआत में आपको सिर्फ अपना फ़ोन चाहिए होता है, आपको अपना यू नो एक एरिया चाहिए होता है जहाँ पर आप फिल्म करोगे, एंड आपको एक एडिटिंग स्किल्स आनी चाहिए जो कि आप धीरे धीरे सीख जाओगे। और मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा, अगर आप चाहो तो आप कॉमेंट कर सकते हो उसके लिए। सो आप इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, आपको एक कैमरे की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यू नो हाई फाई कैमरा, हाई फाई सॉफ्टवेयर्स एंड एडिटिंग के लिए कोई और ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद से शुरुआत भी मैंने ऐसी करी थी, मैंने भी मेरे पास एक टेबल था, मैंने उस पर वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, मेरे पे ये वाला फ़ोन था, मैंने इससे वीडियो बनाई थी एंड इसमें ही मैंने एडिटिंग की थी एंड इसी से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे इसको लेते हो। एंड या दैट इज ऑल पॉइंट्स विच इज़ टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। एंड लास्टली मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि अगर आपको शुरुआत में सक्सेस नहीं मिलती है तो आप प्लीज़ रीमोटिवेट ना हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को अभी भी सक्सेस, वैसे मैं नहीं कहूँगा मिली है, लेकिन मेरे को अभी भी बहुत सेटिस्फैक्शन है अपने चैनल से। सो अगर आपको शुरुआत में यू नो सक्सेस नहीं मिलती, आपको व्यूज़ नहीं आते, सो आप डीमोटिवेट मत हो, ऐसा सबके साथ होता है। आप बस अपने काम करते रहो और जितना आपसे हो सके आप करो, एंड कभी ना कभी आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आप अपने कंटेंट पर ध्यान दो। एंड लास्टली मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो चाहिए सेपरेटली कि मैं वैसे वीडियो कैसे एडिट करता हूँ, एंड सेकेंडली कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। कमेंट में अगर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कमेंट्स आए तो मैं डेफिनेटली जल्द से जल्दी वीडियोज़ लाऊँगा। एंड या आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, एंड आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, एंड इफ़ यू न्यू टू माई यूट्यूब चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।